नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और यहाँ पे आप जो है वो फेक कमेंट से कृपया सावधान रहें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि मार्केट का सेंटीमेंट आज वीक रहने की संभावना है, इसकी चर्चा हमने कल वाले वीडियो में की थी और ये सभी पॉइंट्स अगर आप देखना चाहें तो आप कल वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट ओपन आज लगभग 100 पॉइंट ऊपर हुई, लेकिन मार्केट ने जो बड़े प्लेयर्स कल शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, एफआईआईज जो ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, तो वो मार्केट को नीचे लेके आए। तो यहाँ पे वो जो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे वो 18,100 की उन्होंने कॉल राइट कर रखी थी और आज सुबह भी जब मार्केट ओपन हुई तो फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली 18,100 के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एक वेडनेसडे रूल होता है कि जो क्लाइंट्स पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं तो बेसिकली वहाँ पे उनके विपरीत मार्केट जाती है, तो बेसिकली वैसा ही हुआ। क्लाइंट्स जो हैं वो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, उनका मनी फ्लो पॉजिटिव था, वो पोस्ट मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, लेकिन क्लाइंट्स का मनी फ्लो कल जो था वो पॉजिटिव था, वो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। तो मार्केट ओपन होने के बाद दो सीनेरियो बनते हैं कि जो बड़े प्लेयर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर देते तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज नहीं करी, यहां पे फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली, वो भी 18,100 सीई के ऊपर। तो पूरी प्रोबेबिलिटी थी, एक हाई प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट 18,100 के नजदीक जरूर जा सकती है। मैं फिर आपको कहना चाहूंगा ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, कुछ भी कंफर्म नहीं होता। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होने के जस्ट बाद जब शॉर्ट पोजीशंस बननी शुरू हुई तो मनी फ्लो जो है वो आपका नेगेटिव हो गया। 18,100 का सी राइट किया जा रहा था तो बेसिकली उनका एवरेज प्राइस कहीं 175-180 के आसपास होगा और उन्होंने अपनी पोजीशंस जो है लगभग 20-22 रुपए के आसपास क्लोज कर दी। तो यहाँ पे यही अपडेट मैंने शेयर किया था, हमारा न्यूट्रल पॉइंट 18,295 था जो कि आज का हाई था, तो बेसिकली हमने न्यूट्रल पॉइंट की सहायता से आज का टॉप जो है यहाँ पे पकड़ा और उसके बाद मार्केट के अंदर लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात, जो हमारा रूल है कि जो हमारा एल्गो पॉइंट होता है वो एक बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ, 18,327 एक एल्गो पॉइंट था जो कि बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ, अब दो पूरी कैंडल्स जो हैं 18,327 के नीचे बन चुकी हैं, तो बेसिकली ये लेवल ब्रेक हो चुका है। तो जब एक लेवल ब्रेक होता है मार्केट उसके बाद अगले एल्गो पॉइंट तक ज़रूर जाती है। यहाँ पे अगला एल्गो पॉइंट जो है 18,127 है, तो काफ़ी नज़दीक है, उसके 200 पॉइंट नीचे ही है, लेकिन मार्केट आज उसको टच किया, मार्केट ने बेसिकली कल भी उसको टच किया था। तो इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो भी इसके नज़दीक ही है 18,057 पे, तो बेसिकली ये दो तीन एल्गो पॉइंट जो हैं वो काफ़ी आस पास हैं। अगर हम यहाँ पे रूल्स के हिसाब से देखें तो मार्केट ने एल्गो पॉइंट्स के रूल्स को फॉलो किया। दोस्तों, अगर हम FII DII की बात करें तो बेसिकली FII इसके द्वारा 970 करोड़ की बाइंग की गई, DII इसके द्वारा लगभग 850 करोड़ की सेलिंग की गई, DII लगातार सेलिंग कर रहे हैं जैसा कि हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। अगर आज हम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, मार्केट को संभालने की कोशिश की गई बैंकिंग स्टॉक्स की सहायता से, लेकिन ऐसा संभाला नहीं जा सका। और नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर ITC, SBI, अदानी पोर्ट्स हैं। ITC के बारे में एक खास बात बताऊंगा कि एक दिन ये ऊपर जाता है, एक दिन ये नीचे जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा ऑप्शंस का आज का मनी फ्लो है वो पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई खास ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन नेट मनी फ्लो क्लोजिंग बेसिस पे पॉजिटिव था जो कि लॉन्ग पोजीशंस की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पे केवल 6,862 कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं, तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन ये हमें आज पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमारा जो स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर है वो अभी भी रेड जोन में है,
लेकिन यहाँ पे जैसे कि आज की मैंने लाइव स्ट्रीमिंग का टाइटल डाला है कि प्रोबेबिलिटी है कि कल एक रिलीफ रैली आ सकती है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। इक्विटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे आज भी नेट बेसिस पे जो है कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था, तो यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। डी टू सी रेशो के अंदर साफ तौर पे डेरिवेटिव्स जो है वो मार्केट को कंट्रोल करते हुए नजर आए, तो कैश के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स की सहायता से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव्स के अंदर मनी फ्लो नेगेटिव था जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गई। और यहाँ पे अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा है। तो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट और फ्यूचर्स का मनी फ्लो जो है वो आज विपरीत दिशा में हमें संकेत दे रहे हैं। FIIs की अगर पोजीशंस की बात करें तो जो इनकी शॉर्ट पोजीशंस थी जिसके बारे में काफी लोगों को चिंता हो रही थी, ये अब नो प्रॉफिट नो लॉस के नजदीक आ चुके हैं, जबकि लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो लॉस के अंदर चली गई हैं। लेकिन आज फ्यूचर्स में कोई खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, 7,500 से ज़्यादा कोई भी नंबर यहाँ पे FII की साइड देखने को नहीं मिला, तो इसलिए इसको हम जो है आज एक कम एक्टिविटी वाला डे या दिन मानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक मैं समरी के तौर पे बताना चाहूँगा कि कैश का जो मनी फ्लो है क्लोजिंग बेसिस पे नेगेटिव था, जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे जो है इसका मनी फ्लो पॉजिटिव है, फ्यूचर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, फ्यूचर्स का जो मनी फ्लो है वो बेसिकली वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी, तो इसको हम न्यूट्रल विद पॉजिटिव बायस मानेंगे। तो यहाँ पे स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर जो है वो आपका अभी भी रेड जोन में है, तो मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स जो हैं वो आज भी वीकनेस की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम FIIs की बात करें, कैश में कोई खास एक्टिविटी नहीं, 1,000 करोड़ से कम की बाइंग है, फ्यूचर्स के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, ऑप्शंस में ये लोग मनी फ्लो पॉजिटिव है, तो इनका थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव बायस लग रहा है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है पूरा सेटअप देख के कि कल जो है मार्केट या तो फ्लैट क्लोज हो सकती है या कल ग्रीन में क्लोज हो सकती है, मार्केट के अंदर कल एक पॉजिटिव बायस रह सकता है, तो एक छोटी सी रिलीफ रैली की यहाँ पे संभावना बन सकती है, क्योंकि 3 दिन से लगातार बड़ी बड़ी जो है रेड कैंडल्स बन रही हैं, तो मार्केट नॉर्मली जो है यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अब अगले एल्गो पॉइंट के ऊपर है 18,127 के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है या तो फ्लैट रह सकती है, कल पॉजिटिव बायस के साथ रह सकती है, जो कि सेटअप सजेस्ट कर रहा है। और मैं फिर आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट केवल एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, कोई भी चीज़ यहाँ पे 100% श्योर नहीं होती। तो ये मेरा वोट है जो कि डेटा पॉइंट्स के विपरीत है, डेटा पॉइंट्स वीकनेस का संकेत दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट के अंदर एक फ्लैट मार्केट रह सकती है या पॉजिटिव बायस मार्केट के अंदर रह सकता है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल के मेंबर हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं सभी क्वेरीज को 24 घंटे के अंदर आंसर करने की कोशिश करूंगा। कल के वीडियो में जो जो क्वेरीज थी उनको मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं, किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दिया है वो सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है, सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटिमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटिमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।